काशी में चेष्टा कइये रहल छथि, इष्ट मित्र घटकैती में चारू भाग घूमिये रहल छथि, मुदा जुगलतगर बरक दाम सुनबै 5,000। हे भगवती, बुचिया के आंगन में देखै नै छियै, होई थी कतौ। Thank you.
घर बेल जाई छे इत्ते काल कतो बोइया छले बहनक संग फलसारिक फूल बिछो गेल छलौ तोहर फूल बिछने हम खूब बुझै छियो आगे तोरा लाजदा कने करना छौ तो बेकार है हमरा पर हे बेसी लुक लुक जुनकर हमरा लोकनिक ब्याहक चर्चा हो तो लाजी घट जाई स्नान कऽ महादेवक पूजा करैत अछि आ दुर्गा पाठ जे करैत अछि से एहन शुद्ध उच्चारण जे सुनिते रही गुणमंती नहीं तो की माई के हम माई खाले जाने ने की फुटलो आँख नहीं सोए छी हेलियो दूर बताए मैक बोल सुन का क्यों काने भला वो तो अहिना कथन नहीं काही नहीं रहा नहीं रहा सुभाग्यवती भव कह सास माने छथुन के ना चल बुटी तोरा से एक ढाकी गोप करवा कच फेंकवे पत्ते ए पत्ते तो फेंकबे के हम तो हरमोन खेल पर छो के आन था ब्याहक बात तो इतने बदल के ले हाँ ए बच्ची रानी ब्याहक बात सब क्यों यही ना बदल जाए तक सब चीज बदल जाई छे ब्याह तो तहु बदल जेबे जाई छी हम बस इतबे में और मैं खेलेबे पहले तो घंटा के घंटा ताश खेले छले और अब एको बाजी नहीं बच्चो रानी अब दूसरे खेल खेलाई छी ए जना कछु बुझबे न करी छथिन अब चल बात चाही एकन चिट्ठी लिखाई पड़त ककरा ओई टोलक गंगाराम मोदी के हाय रे बिच्चू रानी बुझलिए उठा के हाँ चिट्ठी लिखना है कोनो ठट्ठा नहीं हम आज शुरू करब तब परसों जाके खत्म है हमर चिट्ठी और जल्दी जल्दी चिट्ठी लिखब हमरा बूते पारे न लगाई तज और छोट चिट्ठी लिखना हुनका तामस चल जाए छै से कि एक ओ ओझा तोरा बड़े माने छतुन मनवा तनवा खाल हम न जानी मुदा हुनकर बस चले तो अपन कुर्ता जेबी में हमरा दिन रात रखले रहे थी दुर्जो एनु का तो लोग है तच ब्याह तो तहु बुझबे हैं हम नहीं बुझा चाहि छी आर ने ककरो कुर्ता जेबी में रहा चाहि छी हम मानुक छी के नुस्दानी अब चले छी साहब आपसे एक तो बात बोलने को मांगता था डोंट माइंड यस अब आप अपना शादी तो कर लेते तो अच्छा होता मुझे क्या करने से अच्छा होता ये मुझे अच्छी तरह मालूम वो तो ठीक है लेकिन बोलना हमारा ड्यूटी था इसीलिए बोला साहब थैंक यू फॉर योर बेस्ट सेंस ऑफ ब्यूटी क्या तुम सिर्फ इतना ही कहने के लिए आया था नहीं साहब डिनर कौन सा माफिक होगा देसी या बिलायती ऑफ कोर्स बिलायती ऑफ कोर्स देखो महाराज मैं खेलने को जा रहा हूं गुड लक साहब Thank you. कौन है ये बोस की लड़की कल कॉलेज फंक्शन में हिस्सा ले रही है
अच्छा है।
घर में चेन पड़े छले इससे अब तक कपड़धक नहीं रहा दल कई हम तो बातों खरखराई सुने छे तो बुझे छे जे कोतवाल पहरा दे रहल छे लियो सुनो मर हम कोतवालक भरोसा रखई छी खपरी सिरमे में रखने रही छी बाप रे दूरा पर पाचल से मैं संदूक लेने बाप संदूक लेने ए ची अरे अरे काम पर कोई नहीं ची चार दरवाजे पर धरी दियो लाल जाग नाम सो तार आ की नाम आज बालचंद कतो रहे ची मकरंदा किनक भालक थी कहूं थनेसर के कते जमीन आज दो ही बीघा दोनों साउज में चाउर कतेक लगे था अपने ऐसे कौन मतलब तार ले हुई कि तो ले जा बेस बेस अपने रात में चूड़ा खावे कि पाक बनाए लेते बुच्ची दाई लाल कागज में छे कि शुभ संवादे है ते ये तो अंग्रेजी में छे एठाम तो क्या पढ़ नहीं सकत हाँ सकुरी में जे डॉक्टर अच से पढ़ सकत अच चलता जाए तो हम अपने मुदा पैर में ठेस लाग गेल अच मुकुंद गाम में अच नहीं झारखंडी नाथ अच लाल काकी आवे बाबू बड़ भारी बिगड़ता हमरा सकुरी जाए पड़त ते ने हाँ राम जी के प्रताप से जा सके छी मुदा मुदा की मुदा राम जी के प्रताप से धोती हमरा एक एक खन धोती हम दी छी हाँ यहाँ था खा लियो आ दौड़ का भाव हाँ के जाने विजय बाग तार में लिखल है ते इकरा पेटिक में रख भला कहो तो ई बात किन्हों अनका कान में जा सके छे रंजू के प्रताप हम ताला से चलता सको तो आगुन नहीं कर एठान तमाशा छे नाच नौटंकी नौटंकी खोलू पैसा देखू तमाशा दुयाना दुयाना Thank you.
तेरा चेहरा गुलाबी शराबी नजर जब चलू सौ सौ बल खाई पतली कमर तेरा चेहरा गुलाबी शराबी नजर जब चलू सौ सौ बल खाई पतली कमर गोरे गालों पे दिल काला काला सुरमा बास बरली काला से खट्टर कहता है बाकी असल नाम झारखंडी माए बाप राख दिया चलते बड़ो और उम्मीद में सरकार हम सब भाई सब छोड़ छी बाकी भाई सब हमर केओ खबर नहीं लैया उ सब रोहित छतराम जी के प्रताप शिवस्तु इधर आओ जल्दी बताओ बीमारी क्या है हम तो लाल काकी के काज से ही ठाम राम जी के प्रताप से बीमारी तो कुछ नहीं सरकार राम जी के प्रताप से लाल काका घर में नहीं भोला बाबू बाहर गए घर में ही तार आयल सरकार दया कहीं जाए राम जी के प्रताप से तार पोड़ी दियो सब लोग कहलक जे सकरी के डॉक्टर बाबू अंग्रेजी जनै भाई जी कामे छोड़ देली है खोखी के मारे नाको दम ओकरा पर कब्जी है ए साहब बिना चश्मा के तो हमरा कुछ सुझत ना हो अरे मुलुआ अखिया चिर के का देखे सर चश्मा ला ना
साहब तो पहले 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 बीमार मालूम पड़ो हो उकरा बाद एम ना ना डब्ल्यू डब्ल्यू तेकरा बाद जेड जेड और सेकरा बाद ऐसा है बड़ा गड़बड़ हो हमरा से ना हो तो कम खा फजी है ले जा भाई चिट्ठी क्या सुना रिल जाना है जाने कौन है ना ची मैट्रिक फेल ची हाँ गिरधारी बाबू रामधारी बाबू इनको तरवा दे हूँ तो पढ़ दे तो चुप माने तार पटना से आयल अछि रेवती रमन पठैलनि है विवाह निश्चित भ गेल अछि मंगल दिन साँझ में बालक संग लऽ कऽ आबि रहल छथि सब ठीक कऽ कऽ राखू बनारस से तार आया है मंगल को बरियाती लेकर आ रहे हैं सब तैयार रखिए मंगल से तार आया है बनारस को शादी इंतजाम लेकर आ रहे हैं तब तक पर तो सब कीजिए इंतजाम से तारा है बनारस को शादी लेकर आ रहे हैं तब तक मंगल खबर हमरा सबके है बनारस से मंगल के रेवती बाबू लड़का लेके आ रहल छन भगवान कृपा से सब नीके छे रेवती के नहीं देखे छे बोर कहां वो सब फर्स्ट क्लास में छे सुहानी संग सुहानी संग नीके रह गुड ग्रेशियस इन गवारों के पैर क्यों छू रहा है यही ठाम सब व्यवस्था ठीक है इसमें कथिक व्यवस्था बाबा ओ विवाह करियन वो बर छतिन ने मुदा वो तो कह छदी जे विवाह से पूर्व कन्या के देख ले तखन की ये असंभव छे वो तो कह छदी जे यदि हमरा बात में हां सब के आपत्ति बुझना जाए तो हम दूसरे गाड़ी से वापस चल जाए अब की कहल जाए एहन कठिन समस्या बोलो
पिता के देहांत भेला उत्तर पुनः घरक मुँह न देखले शहरा में नेने सोरेला आ शहरक फैशनेबल अप टू डेट लड़की सबके देखी को चाहे छी ओ नहीं कन्या भेट आरो तोरीके तो ई सब पहिने बजट की भला माई प्रशंसा ढकै छला जे हलवन छै तो फलवन छै आप कत सो सोचला नास्ते जो भूलले से तो भइए गेलक हां तत्काल में परक की अभिप्राय छै हमर कहबाक तात्पर्य जे यदि कनेक देखे लेतिन तो हर्ज की क्यों कका जी ना हर्ज की हमर कन्ना कोनो लूली नागत अछि नै जे ना पसंद पड़ते हमरा लोगन कुल मर्यादा या ठीक जे अपन कन्या के सबक आगे नचा दी क्यों बोला नहीं कथम अभी नहीं गुड गॉड किस देहात में आके फंस गया और यदि हम फराके सो कन्या को दिखा दिए तो कौन छै ना छै कौन परंतु ई बात क्यों बुझा नहीं पा रहे जो एक कान सो दुकान गेली ई बात तो बात चलब कठिन है क्यों बोला हाँ ताहे में कौन संदेह हम सब कतु बजबे नहीं करब क्यों कका जी हमरा लोग कनी बजबे नहीं करब तू तो दोसर बुझत को है ऐसे देवती बाबू इन रस्टिक लोगों से आप इतनी देर तक क्या बातचीत कर रहे हैं ये लोग माने आप हैं मेरे पिताजी आप मेरे चाचा जी वेरी ग्लैड पढ़ लो की करी देखत नहीं छे बुदा मोने थई छल ए हुजूर आपसे एक जरूरी काम मैं बगैर नजराना लिए किसी का काम नहीं करती अच्छी बात ये लीजिए नजराना ऐसा नजराना मैं नहीं चाहती जाई जी कहा आप जाए दिया काजक आंगन छाई लोग सब की कहा कह दियो एक टपट्ट कठिन समस्या उपस्थित भ गेल अछि आप कथिक समस्या देखो हम एक जंगली पक्षी के बजा को आनने छी ओकरा सिखा पड़ा को गमैया बनाओ नहीं तो फुर दौड़ी जाए यही बूते बाहर लाइक सकैत है ये तो आप बहनिए कह सकैत छै हसी नहीं सत्य कही छी साफ साफ बाजू ने बात ई छै जे बियाह सो पूर्व बुच्ची के देखो चाहे छै के मैया जो पसीने नहीं पड़ ले तो बियाह नहीं हतै तखन त नाक कटि जाए छे नाय नाक है खंडी हो की भला गेल छलौ घोंगड़ैया त तो आई बजै छ ने किए ओ आई सुम छिके तोहर मोन व्रतक दिन अच्छा हमरा कने हड़बड़ी अछि की दूटा की दूटा टाका दुआना ले दुआना तमाकुलो तोरा निह मौन व्रत एक दिन एना कोना चलत आब एको टा पेट लोग के पहाड़ भेल जाय छै कतौ बाहर घूमित फिरत की कहू काका दस बारह हजार सँ नीचा तो क्यों बाते नहीं करी छथि अरे बाप रे बाप से तू कहाँ से अनबो दू चार रहित तो एक बातो भौजी चिट्ठी किने का अपन ननदी के जेठ भाई के भैया के किए सुन बात मन हुई है सुना नहीं आहां के सुने ही पड़त प्राणनाथ आहां के वृह व्यथा में हमर कौन दशा भय रहल से लिखबाक समय नहीं आइ काल हमरा आँख में निन्न नहीं किए जे हमर ननदी कुमारी बुच्ची रहने की दशा हमरों से बेसी गंभीर भ रहल अछि हुनकर दशा तो गोकुल का गोपी सन भ गेलन है जे की मूलिक तीर्थ सुनलक लेकिन कन्हैया का दर्शन नहीं कर सकल बेकार की अनसंट लिखल छी भौजी अनसंट नहीं जे की छु लिखने छियन तकर अर्थ ई जे अहां अपन बहनी खातिर शीघ्र एकटा सुन्नर वर ताकू जाओ भौजी छोड़ू हमरा
आओ। डोंट माइंड साहब, एक तो बात बोलना मांगता है। शादी का बात तो नहीं है? बात तो वही है, हमारा माथा में घूम फिर कर वही तो बात आता है तो हम क्या करेगा साहब? आप घूम फिर के वही तो बात आने से हम तुमको बर्खास्त करेगा तो फिर नहीं बोलेगा साहब। आया। हाँ। कौन है? अहा रेवती भाई, आइए आइए, प्लीज कम इन। हेलो रेवती भाई, बैठिए। महाराज। ये साहब। टी प्लीज। ऑल राइट साहब। धन्यवाद। सचमुच आपकी दी गई नोट की कॉपियों से मेरा बड़ा उपकार। सुनो मिश्रा, मैं तुमसे गंभीर विषय पर बात करने के लिए आया हूं। गॉड, यू लुक सीरियस टू। बात क्या? तुम्हारी शादी की बात। यू मस्ट मैरी नाउ। अभी थोड़ी देर पहले मेरा कुक भी यही बात कर रहा था, लेकिन रेवती भाई हमारे देश में शादी के लायक लड़कियां मिलती कहां है? तुम्हारा कहना ठीक है मिश्रा, मैं जानता तुमको कैसी जीवन से मिलनी चाहिए। अच्छा मान लो मैं तुम्हारी मनचाही एक लड़की की खबर दूं तो? डोंट माइंड साहब। टी साहब। एक्सक्यूज मी साहब। वेल, आज का मेनू क्या होगा? तुम क्या क्या बनाना मांगता है? टोमेटो सूप, चिकन रोस्ट, मटन कटलेट, फिश कोफ्ता, फ्रूट सलाद। दैट्स फाइन। थैंक यू साहब। और रसगुल्ला। ओके। तुम्हारा महाराष्ट्र तो मॉडर्न मालूम पड़ता है। मैंने तुझे टेरप किया। अच्छा। लेकिन मिश्रा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वेल वेल, पर चाय तो पी ले। लेट्स वार्म अप। की भेल? हमार सुनसान बेटी के दूधी भर करा ऐसा नीत है ओकरा काट के धार में फसा दिए। नहीं नहीं, हमरा एते कहां बुझल छल। दू दूटा बेटा छै कोकरा। राम 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 राम। हमरा एकटा बेटी अब एकर ये ना सत्यनाश करना चाहे छिए। भौजी, अरे यहाँ कौन है ठीक किया? बुचीदा हमरो तो बेटी है ठीक। हमर तो कन्नक सिंदर अभी गला। हम जे पूछत छी तक्के उत्तर दियो। अहां लोकना हमरा बेटी के हलाता जाई छी। ओ तो कहां करा जा रहल छी? आन ठाम बरता के जाई छी। बस एने ताकि रहल छी। मुद्दा कान खोल के सुन लियो। जो एई सूत में बुझिया के बिया नहीं करबे तो हम अंड पानी छोड़ दे। एना मौत खेला से की है? तो ठीक है, गुरुवाई प्रतिज्ञा कैलन हन जेकरा पूरा होए के चाहिए। बुच्ची दाई के शादी जैसे तैसे होए के चाहिए। मुदा है ना, अब तेने तो बोर को तो गाठ में फड़ल तो नहीं छे जे लगाओ लगी और तोड़ी लिया। मगर प्रतिज्ञा के ख्याल हमसे पूरा कर तो ऐसन कह जाओ। सभा के अभी 15 दिन बाकी है। भोलानाथ जी हमरा साथे सभा चलत और गुरु जी काशी जात। बाबा विश्वनाथ की कृपा हो तो हम सब के मनोकामना जरूर पूरा होते। बेस तो एना कैल जाए। की कनिया कतो जवा कुरियान करै छ छ सब बर ता को ले की बर मांगो ले नय बुची दाई बर से आए तो हम हु कहै छी। हे भगवती, हटा के चलू ना। आई तो रहल छी। ई होई यहाँ के इलम तो नहीं आई से पोर कट दे लगै छी। त काहे पिल्ली लेका जुत्ता सभा के बिना पहनिए कोन आते हूं? हां ते तो ठीक। अच्छा हाथ में उठा लियो। ए हाथ में लोग देखा तो की कहत? तो गमछा में बांध लियो। अंकुचा में बरखटे बना नहीं था। एकरा में बांध लियो। बेस बेस बेस।
और की भे खूब कैली और गोर झाड़ के चलू हेलो की भे एमरी नीचे हो गेलू अब छटक के चलू चलो झटकी चलो तकर तो चिंते जुन करी बेस सुखी संपन्न लोक छथि वाह लिखल पढ़न छथिन कि नहीं हां बाल सुबोध नीक जका पढ़ि लै छथि एक बात कहूं तो बरक पिता जीवित छथिन कि नहीं अरे पिता ने जीवै छथिन ताई से कि हमरा लोगन त छी है ओना की बात करक चाहै छथि ओना त कोनो गप्पे नहीं अपने 5000 टका द देल जाओ आ बाल सोम दिन सिद्धांत करवा बालक के लो जल जाओ की बात छै हम सब आपस में विचार कह लै छी बेस 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 चल बटुक जी आज का दिन घूमते बीतल कोनो काज नहीं छै अखन की करबाक चाही चल बेन ए तो सोच सग
हे कमला मैया, सीता के तो धरती माता शरण देल थे, हमरा दूसर के शरण देत, अही हमरा शरण दिया। बुच्चदाई, बुच्चदाई, हम बुझे छी जे अहां बड़ अपमानित भेलौ, मुदा हाय नहीं मानू, यह तो सोचू अहां सीताक भूमि में जन्म लेने छी। सीता जका राम का झुकाऊ, भारती जका शंकराचार्य का परास्त करू, अहां अपना क्या वही योग्य बना सकत छी। आधुनिक बन के उनका दिखाइए देविन। तबियत तो ठीक है, दो चार छींके आई कि बस ललितों का हुक्म हुआ। नो मोमेंट्स टुडे। देखो चंडी, आई एम वेरी ग्रेटफुल जी, ये जो वीणा को फर्स्ट क्लास मिला है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं ऐसा मत कहिए, वीणा तो पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट है। बाबूजी, 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 मैं जीत गई। नमस्ते सर। किस चीज में जीत गई? दीदी को मैंने चेस में हरा दिया। अच्छा अच्छा, आज मैं तुझे टेनिस पे हराती हूँ। हाँ अच्छा, लग जाए बाजी। कितने रुपए? 5 रुपए की। मंजूर। मिस्टर मिश्रा, गवाह आप, देख लीजिएगा, बिना हारने पर भी रुपया नहीं देगी। देखिए ना बाबूजी, दीदी मेरी शिकायत कर रही है। ठीक है, तू कोर्ट में नालिश कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे कौन डिफेंड करेगा? मैं तुझे डिफेंड करूंगा, तू भी तो मेरी बेटी है। चंडी चरण। हे टेनिस रैकेट धारणी, तुम हो अब रूपा, हाथों में लेकर रैकेट को जब तुम चुकती हो बॉल मारने, लगता नाची बिजली मैदानों पर, जो विश्व विजयनी शक्ति तुम्हारा रूप लिए साकार, दर्शक गण का भी हृदय देख उच्छ्वास बाढ़ में फूल उठा, आघात एक रैकेट का तेरे खाने को गति पाने को
तड़पा। काश बॉल मैं भी टेनिस का हो पाता। दीदी ओ दीदी जल्दी आओ जल्दी। क्या हुआ, अभी अभी तो चिल्ला रही थी और अभी हंस रही है। दीदी मिस्टर मिश्रा जब देखो अपनी कविता की कॉपी यहाँ फूल जाते हैं। कॉपी पे लिखा है चितवन के फूल। कविता देखो तो। ठहरो पहले मैं तुम्हें इनके समर्पण की भाषा सुनाती हूँ। समर्पण की भाषा। ओ मनोवन विहारी मेरे यौवन उपवन के प्रथम वसंत की प्रथम कली है जो मेरे आहार विहार ज्ञान अज्ञान निद्रा जागरण को मधु स्पंदन देती है। मेरी उस मानस सुंदरी को यह चितवन के फूल सादर सप्रेम समर्पित है। दीदी क्या बात है। वही तो सोच रही हूँ। सिर्फ सोच ही रही हूँ। मिस्टर मिश्रा जब देखो अपनी कविता की कॉपी यहाँ फूल जाते हैं। कॉपी पे लिखा है चितवन के फूल। हम ठीके कही छी, हुनकर पत्नी छथिन बुच्ची दाई, हम हुनकर डांगरक भाई छी। अच्छा तो फिर उनकी बीवी कहाँ है। गाम में लाल काका एहू ठाम उनका लेने छथिन, बाकी मिसर जी हुनको गमार करके निकाल दी। हम मिसर जी के सार है और वो कहते हमको साहेब बोलो। बलाई कहिए When first she cleaned on my seat, a lovely apparition sent to be a moment's ornament. Mera jeevan barbaad ho gaya. Oh my God. झरीलाल झरीलाल आवाई ची। जी इतनी बार बुलाने पर जवाब देते हो। राम जी के प्रताप था, जब आप नाम धर के बजाया तब हम जवाब दिया। व्हाट डू मीन झरीलाल कहकर मैं भी किसको पुकार रहा था। सेहम की जानी, हमारा नाम झारखंडी नाथ झारखंड। लो लो इतना बड़ा नाम नहीं चलेगा। पिस्टो लो। अरे बोल ना। झरीलाल भी नहीं, अब तो मैं तुम्हें झरिया कहूंगा। जी और देखो ये तुम किस भाषा में बात करते हो। हम मिथिला में बोलते हैं तो राम जी के प्रताप से यहाँ चिड़ जाते हैं, आ कचराही में बोलते हैं तो यो नहीं पसंद पड़ता है यहाँ के, तो अब हम कौन भाषा में बाजी। अंग्रेजी तो हमको राम जी के प्रताप से नहीं ना आते हैं। कचराही ये कौन सी भाषा। जी ये भाषा में कचहरी में मामला मुकदमा में गवाही देत काल बोलते हैं, ताई सा कचराही। अच्छा सुनो दाली बनाने के लिए गर्म पानी ले। जी मैंने आंख मूंद कर विश्वास किया, इसका अच्छा बदला मिला मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मिसर जी गरम पानी। फिर मिसर जी मना किया था ना। राम जी के प्रताप सा अहां लाल काकी के जमाए और रिश्ता सा हम आप प्रसार आरा हमर बनोई। यही बात पे आपको मिसर जी बोलता है। शराब
किसी का दामाद किसी का बनोई नहीं। जी जी मेनू बात क्यों भकाइया, बच्ची दाई साहब को ब्याह है। तो हेल विद ब्याह, खबरदार अगर उन लोगों का नाम मेरे सामने लिया। जी मिस्टर जी। सर तब की कहेंगे? को क्या बोलता है सुनता नहीं। वो आपको साहब साहब कहता है तो ठीक लगता है? हाँ ब्राह्मण। और वो आपको साहब कहता है से कि आप अंग्रेज है? शरप पानी लाया जी। ये हजामत बनाने के लिए पानी लाया? कौन फिर अरेक पार्टी। ए जी मैं तुमको भाड़ा देता हूँ, तुम आज ही गांव चले जाओ। जी गांव गांव हमारा जुनी पठाओ, जो सजाए देने का मन होता है यही दे दीजिए। मुदा राम जी के प्रताप से हम यही रहेगा गांव में, थले थाल कुलेन वाला बुखार बिजली के कतौ पता नहीं। राम जी के प्रताप से अब आपको हम साहबे बोलेगा, मिसिर जी कखनो नहीं। अच्छा बाबा मैं तुमसे हार मानता हूँ, जा। माय गॉड। और रेवती की बहन पुछिया है। देखा साहब आदमी है कि बफेलो, अकेले चार आदमी का खाना खाता है। खाने दो खाने दो। मालिक का लाश होता है, चिराग लेके सर्च करने पर भी ऐसा इष्ट भी आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। अच्छा मैं कॉलेज जाऊं। मिस्टर बोस का एक अनुरोध है जी। इनकी छोटी लड़की बीना की हेल्प करनी है, वो इंग्लिश में ऑनर्स लिए हुए है। जी लेकिन मैं जानता हूँ आप ट्यूशन नहीं करते, बट इट्स ए स्पेशल केस। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर। ऑफ कोर्स सर, इट विल बी अ प्लेजर। बीना बेटी ये है मिस्टर मिश्रा, बहुत बड़े स्कॉलर। नमस्ते, मैंने नाम सुना है। तुम्हें पढ़ाने के लिए राजी हुए हैं। बिजोली कहाँ है बेटी? बुलाती। बैठिए मिस्टर मिश्रा। थैंक यू। बिजोली मेरी बड़ी बेटी है, उसने फिलोसफी में एमए किया है। ये दोनों मेरे साथ सारा कॉन्टिनेंट घुमाई है। बिजोली को बैरिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन एकाएक मेरी पत्नी का देहांत हो गया। बाबा आओ बेटी। बिजोली मिस्टर मिश्रा। नमस्कार। नमस्कार। बैठिए। मिस्टर शुक्ला के कहने से बीना को पढ़ाने के लिए राजी हो गए हैं बेटी? बहुत अच्छा हुआ बाबा। अब तो ये सीधी हो जाएगी। बेटी चावा नहीं पिलाओगी? हाँ बाबा अभी आती है। अच्छा तो मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। अच्छा। आपके पिताजी कहते थे कि आप सारा कंटिनेंट घूम आई हैं, फिर भी आप कितनी सिंपल हैं। अच्छा बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं बैरिस्टर बनने जा रही थी? जी हाँ। पिताजी को तो बस चांस मिलना चाहिए, बेटियों की तारीफ करने शुरू कर देते हैं। विंटर हैड नॉट येट सेट इन but the straight was sir ek minute shri ram chandra vipal bhaj man haran bhava bhaya darunam na
से भी। और कहा पूछिया छी 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 काहे कहते हैं मिसर जी साहेब जी राम जी के प्रताप सा हमर बच्ची लाल बड़ नीक। अभी तुमको किसने बुलाया? कोई नहीं, बात है कि लाल काकी। शरद लाल काकी और पीली काकी। छिया छिया एनो बात तो बजैया सासू आ माए राम जी के प्रताप सा। निकलो बाहर निकलो जाए छी। I must start my life anew. कहां पिछली और कहां बुच्ची ताई। Oh God! कहाँ जा रहे हैं? कहीं दूर, बस जहाँ आप होंगे और मैं, जहाँ हम दिल की बातें आराम से सुन सकेंगे। हाँ। तो फिर कहिए ना। फिर किसी दिन, कोई खास बात नहीं। मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हैं। ठहरिए।
ये मैं कल भूल से आपके घर छोड़ा है। भूल से? जी। अच्छा बताइए, आपके ये चितवन के फूल जिसे अर्पित किए हैं वो कौन है? जी जी वो कहीं रुक क्यों गए? बिजली देवी, वो आप ही है। अच्छा, तो आपकी कल्पना की मूर्ति मैं हूँ। अच्छा मिस्टर मिश्रा, आपका ये प्रेम सिर्फ वासना तो नहीं है? ये आप क्या कह रही हैं मिस बोस? जिस पवित्रता के साथ एक पुजारी भगवान की पूजा करता है, मेरा प्रेम भी उतना ही पवित्र है। मैं तो आपके गुणों की भी पूजा करता हूँ। विद्या, कला, संस्कार, कोमलता, शालीनता, बस मेरा रूप, मेरा यौवन, इस पर आपका कोई भी लोभ नहीं? क्यों ना हो, अगर मैं ना भी कहूँ तो यह सरासर झूठ होगा। नारी का रूप तो एक प्राकृतिक आकर्षण है। एक प्राकृतिक आकर्षण है, गुण ही सब कुछ नहीं है मिस्टर मिश्रा। नारी का रूप और यौवन भी पूजा के योग्य हैं। कितने ऊंचे विचार हैं आपके। बहुत, और इसीलिए पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी बीवी को स्वीकार क्यों नहीं करा? जी मेरी बीवी? जी हाँ, मेरी बीवी अनपढ़ गवार है, उसमें कोई गुण नहीं कि वो मेरी बीवी बन सकती है मिस बॉस। और उसका रूप, यौवन, इसकी भी कोई कदर नहीं आपके पास? आप शिक्षित हैं, क्यों नहीं उसे पढ़ा है? क्यों नहीं उसे अपना योग्य बना लिया? मिस बॉस, आप विद्वान हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जरा सा हंस खेल लेने से ये आप कैसे समझ बैठे कि मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ? मिस बॉस, मिस बॉस, अभी भी समय है मिस्टर मिश्रा, बीवी को स्वीकार करके अपने मन के योग्य बना लीजिए। हमारे देश में धर्म पालन के लिए ही शादी की जाती है और उसी में सबकी भलाई है। चौकी है नहीं, आधुनिक सभ्यता में पलने पर भी मैं एक भारतीय लड़की हूँ। लीजिए अपने चितवन के फूल, मेरे लिए जो आपने आशा के दीप जलाए थे उसी के साथ साथ इसे भी यहीं दफना दीजिए। गुड लक। बीनु लागत सुन भवनुआ, हो रामा पियर बीनु लागत सुन भवनुआ, हो रामा पियर बीनु। करी रे कोइलिया, हो रामा पियर बीनु, सुनत ही जरत बदनवा, हो रामा पियर बीनु। पारे चमलिया, हो रामा पियर बीनु, देखत
झरत नयनवा हो रामा पियर बीनु। हो रामा पियर बीनु मोरे रामा, अरे पिया मोरा गैलन, अरे रामा पिया मोरा गैलन मधुपुर देशवा। हो रामा पियर बीनु अधी रात देखली सपनवा, हो रामा पियर बीनु लागत सुन भवनवा, हो रामा पियर बीनु। शिष्टता के साथ सारी विधियां पूरी करनी होगी। विधि? लेकिन भाई मुझे क्या मालूम कि विधि क्या? घबराओ नहीं, तुम्हारी होने वाली पत्नी तुम्हें सब कुछ बता देगी। क्या शादी के पहले तुम्हारी बहन मुझसे बात करेगी? तुम तो सिर्फ उसे देखना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हें पहले से ही ठोक बजा लेना चाहती है। अरे हाँ, नेशनल ड्रेस, वाह वाह, चलो अब तैयार। बहुत सुंदर लगे। चलो पंडित जी, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, चंदा ही मंगवा दे लेते काका। हाँ सुनिए,
सब में ऐसी भूल मत कीजिएगा, आप पिताजी चाचा जी गाँव के सभी लोग होंगे, मेरी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखिएगा, मुझे शर्म आएगी। सर जी हमरो काशी नेने चलू, बहुत इच्छा है। तुम्हें हम बुच्ची दाई के गांव घरक भाई छी, आहा के साथ लो चलू राम जी के प्रताप से आहा के मुंह सेवा करब। हाँ ठीक है ठीक है, कभी बाद में बातें कर लेंगे, चलो अभी तुम जाओ। जी भेजता सचमुच लैला को प्यार करता था, अगर फरहाद सचमुच श्री के लिए जान देता था, अगर रोमियो वाकई जूलियट के लिए दीवाना था, तो मैं तो तुम्हें उससे भी ज्यादा। मजाक किया उसके लिए माफी चाहती हूँ, वैसे रिश्ता तो आपके साथ मजाक का ही है। ये रही आपकी पत्नी, संभाल के रखिएगा इस कच्ची गली को, बड़ी सुकुमारी है। जाओ ने नाम पैबाक जो काज करना हो। वाह हमरा इससे गाथा नहीं वो तो एखन अही के अपन कनिया बुझ रहे छे। एखन धर तो सह बुझ रहे छे तो देख यह बुझे बुझे गोटेक बेर की
से एक ही मजाल थी के हम चेता देने छेन जे भय चतुर्थी बर कन्या स्पर्श नहीं करत छेक तई चार दिन तक हाथ पर नहीं पसारू बेचारे थई पूर्वक दिन गनी रहे छे मुदा हमरा नहीं हाइस होता से किए तखन तो वही रात आहा के नहीं छोड़ता वही रात ही तो आहा के बहनी है उनका नहीं छोड़ती उनका की होत रहते जो हम मर खोज करता आहक पर जवाब नहीं अच्छी तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा एडुकेशन कहां तक हुआ है म्यूजिक जानती हो डांसिंग जानती हो स्विमिंग जानती हो आपसे मिलने आया मगर आपने मिलने से इनकार कर दिया इसीलिए नकली नाम बताकर मिलने आता हूं तो भेंट नहीं करते और चिट्ठी लिखता हूं तो जवाब नहीं मिलता इसीलिए पुरानी आदत धोखेबाजी को उतर आए कृष्ण जी कहिए आप दिरागमन करने के संबंध में क्या सोचते हैं क्यों उस रात की मेरी चिट्ठी आपको नहीं मिली मिली लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं वही हमारी आखिरी बात
मिश्री जी, ये गुड़ियों का खेल नहीं। आपने धर्म को साक्षी करके शादी की। जी नहीं, आप लोगों ने तो गुड़ियों का खेल ही खेला था, इसीलिए मैं ऐसे धर्म के साक्षी पर विश्वास नहीं करता। मिश्री जी, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। स्वामी का प्रणाम करूं? नहीं, विचारक लोग छी। हमरा लोकनिक शास्त्र में विवाहक उद्देश्य मनुष्यक प्रवृत्ति के उद्दाम बनेबाक नहीं, ओकरा शांत क निवृत्ति मार्ग दिस उन्मुख करब छै। तैं हमरा लोकनिक ओहिठाम विवाह में प्रजापति पुरोहित आ अग्नि साक्षी होइत छथिन। मैं ऐसे तड़े हुए शास्त्र की बातों पर विश्वास नहीं करता। विश्वास करब चाहिए, एहिठाम तऽ नारीक सर्वस्व ओकर परम गुरु पतिये होइत छथिन। हम कॉल जोड़ी छे। I can't help you, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तेरा तमाशा खड़ा करने से बदल नहीं सकता। यहाँ की स्त्री बेचारी दुखिया। कौन है मेरी स्त्री? ये कपड़े की गठरी। ये आपकी बेटी है, रेवती की बहन है, मगर मेरी कोई नहीं। अब आप लोग दया करके यहाँ से चले जाए। हम बुच्ची के आपस लोग कौन मुर्दा गांव है? रट बुच्ची दाई की, बुच्ची दाई की बेलवा महाबुद्धे आप आज तक किच्छू नहीं कर सकलो, किच्छू नहीं कर सकलो। जहिया सहारी गोकुला बिसारी देला, जहिया सहारी गेला गोकुला बिसारी देला। एकिया है उधो, एकिया है उधो, कौन रे जोगिनिया जोगवा वीना। जी। मेरे ग्लास पानी लाना। पियानो कौन बजा रहा है? दीदी। एमी सर जी, रात माफ कर दिया, गलती भ गई। क्या चाहिए? जी भोजन तैयार है। अभी नहीं, अभी मैं कविता कर रहा हूं। जी तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। जी अच्छा। हे अपरूपा अतुलनीय,
पियानो वादन तुम्हारी चंपा कली उंगलियों के स्पर्श में इतना सुर इतने तितलियों की तरह उड़ती हुई सुर लहरियां मेरे हृदय में कंपन पैदा करती हैं। मैं तुम्हारे पियानो की तरह चढ़ नहीं चेतन प्राणी, इसलिए तुम्हारे स्पर्श की कल्पना लाख लाख लालसा के तूफान वंडरफुल वाह बाबू। जानते हैं मिस बोस, आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है? कैसा? आप सुनकर हंसेंगे। ओह वो कहिए ना। ऐसा लगता है जैसे उस दुनिया में सिर्फ आप और मैं हूँ। जिन बातों को मैं आज तक नहीं कह पाया उसका कहने का समय आ गया है। तो फिर कह दीजिए ना। डर लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाए। ओहो फिर मत कहिए। Woo!